गुल्ली बुली और शॉन आज अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अफ्रीका के जंगलों में जा रहे हैं और इसलिए ये लोग यहाँ पर बोट बुक करने आए हैं और ये तीनों इस आदमी से बोट के बारे में बात कर रहे हैं। बुल्ली कहता है कि बोट वाले अंकल, देखिए हमें अफ्रीका के जंगलों में घूमने के लिए जाना है और हमने पानी के रास्ते से जाने का फैसला किया है, इसलिए कोई अच्छा और टिकाऊ बोट या नाव हमें दे दीजिए, सस्ते में सबसे बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वो आदमी कहता है कि अंकल किसको बोला रे तुमने, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शॉन कहता है कि ये बातें आप बाद में कर लेना अंकल, पहले बताओ पैसे कितने लोगे हमसे और कितने समय लगते हैं पहुंचने में वहां, क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बुल्ली कहता है कि तुम्हारे दोस्त वहां अफ्रीका के जंगलों में क्या कर रहे हैं शॉन? वो अच्छा याद आया मुझे, तुम तो बंदर हो ना, तो बंदर के दोस्त तो जंगल में होते ही हैं। गुल्ली कहता है कि बंदर नहीं, ये तो गोरिल्ला है बुल्ली। शॉन कहता है कि हाँ गुल्ली बुल्ली, केवल तुम ही लोग मेरी बात अच्छे से समझ पाते हो। वो आदमी कहता है कि देखो, एक आदमी का मैं 500 रुपये लेता हूँ, लेकिन तुम तीन लोग हो इसलिए मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा पैसे ले लूंगा। शॉन कहता है कि कितने अच्छे इंसान हैं ये गुल्ली बुल्ली, हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। गुल्ली कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, चलो अब हमारे जाने की तैयारी करा दो, सारा सामान भी रखवा देना हमारा बोट के अंदर और कोई स्पेशल आदमी ही भेजना हमारे साथ, आखिर VIP लोग हैं हम। और ये बताओ कितना टाइम लगता है वहां पर पहुंचने में? वो आदमी कहता है कि अफ्रीका के जंगल यहाँ से बहुत दूर हैं, इसलिए कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही वहां पहुंचने में। तुम लोग चाहते तो एरोप्लेन से जा सकते थे, लेकिन तुम लोग बोट में पानी के रास्ते से ही क्यों जाना चाहते हो? शॉन कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो ना अंकल ब्रो, हमारा मन था बस पानी के रास्ते से जाने का, हमारा बजट सिर्फ इतना ही था फिलहाल। वो आदमी कहता है कि ठीक है, तुम लोग अपना सामान पैक करो, तब तक मैं बोट बुलवाता हूं। और थोड़ी ही देर में बोट किनारे पर आ जाती है। शॉन कहता है कि बोट तो बहुत बढ़िया है गुल्ली बुल्ली, क्या कहते हो तुम लोग? तभी वो आदमी कहता है कि देखो गुल्ली बुल्ली, ये बोट मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं इसे तुम दोनों के हवाले कर रहा हूँ ताकि तुम लोग एकदम अच्छे से पहुँच सको अफ्रीका के जंगलों तक, बस मेरे ऊपर एक मेहरबानी करना, इस बोट का ख्याल रखना तुम्हारे साथ वाले इस दरिंदे से, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये मुझे दरिंदा क्यों कह रहा है, कहीं तुमने इसे बता तो नहीं दिया मेरे बारे में? गुल्ली कहता है कि अरे छोड़ो ना शॉन, जाने दो इसे, चलो चलते हैं अब हम बोट के ऊपर। और गुल्ली बुल्ली और शॉन बोट के ऊपर आ जाते हैं। शॉन उस आदमी से कहता है कि ये जहाज तो बहुत बढ़िया है अंकल जी, उम्मीद करता हूं कि ये हमें सही सलामत पहुंचा देगी हमारी जगह पे। गुल्ली भी उससे कहता है कि अंकल वो बोट चलाने वाला ड्राइवर कहाँ है आपका, कहीं ये बोट अपने आप तो नहीं चलती? वो आदमी कहता है कि गुल्ली इस बोट को चलाने वाला सिस्टम इसके नीचे है, मतलब बोट के नीचे वाले हिस्से में है, तो ड्राइवर वहां नीचे ही है, तुम लोग नीचे या ऊपर कहीं भी आराम से रह सकते हो और सही टाइम होने पर अफ्रीका के जंगलों में तुम लोग पहुंच जाओगे। और हाँ, मेरी बोट को कुछ नहीं होना चाहिए गुल्ली बुल्ली, नहीं तो 100 रुपये ज्यादा लूंगा मैं तुमसे। बुल्ली कहता है कि आप चिंता मत करो, शॉन के रहते हुए आपकी बोट को कुछ नहीं हो सकता। वो आदमी कहता है कि शॉन से ही तो डर लग रहा है मुझे गुल्ली बुल्ली। और तभी बोट स्टार्ट हो जाती है और वो आदमी इनको टाटा बाय बाय करने लगता है और बोट वहां से जाने लगती है। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? शॉन कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे गुल्ली, पहली बार तुम दोनों ने कुछ ढंग का काम किया है मेरे लिए, मैं खुश हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ खुश रहो। बुल्ली कहता है कि इस ट्रिप पर हम तुम्हारी वजह से ही आ पाए हैं शॉन। शॉन कहता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने बुल्ली जो मुझे खुद ही नहीं पता? गुल्ली कहता है कि शॉन इस ट्रिप पर घूमने जाने के लिए हमने तुम्हारी ही तो स्कूटी बेची थी, उससे बहुत पैसे मिले हमें, इसीलिए तो हम घूमने अफ्रीका जा पा रहे हैं, वो भी इतनी बढ़िया बोट से।
शॉन कहता है कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं गुल्ली बुल्ली, मैं तुम दोनों को माफ करता हूं, आखिर तुम ही दोनों तो मेरे जिगरी यार हो। बुल्ली कहता है कि शॉन ये बोल के तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। शॉन कहता है कि चलो अब वो सब छोड़ो, अगर तुम लोग हाँ बोलो तो चलो नीचे वाले ड्राइवर अंकल से मिलने चलते हैं और सब समझा देते हैं कि हमें अफ्रीका जंगल ही जाना है, कहीं वो हमें किसी और जगह ना ले चले। गुल्ली कहता है कि शॉन अभी तो हमारा मन नहीं कर रहा कहीं चलने का, हम अभी यहाँ खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, तुम जाके बात बात करो और थोड़ी दोस्ती वोस्ती बढ़ाओ उससे। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो कोई बड़ी सी चिड़िया लगती है। शॉन कहता है कि ये देखो गुल्ली बुल्ली, कितनी बड़ी चिड़िया है ये। गुल्ली कहता है कि शॉन ये तो मुझे किसी ड्रैगन जैसा लग रहा है। बुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है गुल्ली, लेकिन ड्रैगन तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं ना, तो ये असली में कहाँ से आ गया। गुल्ली कहता है कि तब शायद ये कोई और ही चिड़िया है बुल्ली, जो कि काफी बड़ी है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, कहीं ये हम लोग को खा ना जाए। और अरे ये तो ये चिड़िया यहाँ से जा रही है। शॉन कहता है कि देखा गुल्ली बुल्ली तुमने मुझसे कैसे डर के भाग गई है, मैं चाहता तो उसे एक हाथ से ही फेंक देता। गुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात ही अलग है शॉन, लेकिन फिलहाल चलो हम ड्राइवर के पास चलते हैं, बाहर तो मुझे अब डर लगने लगा है, पता नहीं शायद ये चिड़िया अपने साथियों को भी लेकर आ जाए। और गुल्ली बुल्ली और शॉन बोट के नीचे आ जाते हैं, लेकिन नीचे तो बस ये खाली कमरा है और इसमें तो ड्राइवर कहीं है ही नहीं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली यहाँ तो ना ड्राइवर है और ना ही कोई इंजन का सामान है, ये तो बस एक खाली कमरा है यहाँ, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। शॉन कहता है कि वो सब छोड़ो बुल्ली, पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से यहाँ हवा किसने छोड़ दी। गुल्ली कहता है कि शॉन किसी और चीज की बदबू है ये। तभी इनकी नजर पीछे रखे एक लाश पर पड़ती है और गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत डर जाते हैं। बुल्ली कहता है कि फौरन इस बोट से भागो, यहाँ जरूर किसी चीज ने इसको मार दिया होगा, अब शायद वो हमें मार डालेगी। शॉन कहता है कि क्या बात कर रहे हो बुल्ली, और ये बताओ कि हम बीच समंदर में से यहाँ से भागेंगे कैसे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो लाश नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या, ये लाश तो एक ज़ॉम्बी है, और ये लोग तो अब यहां पर फंस चुके हैं, कहीं ये ज़ॉम्बी इन पर हमला ना कर दे। अरे नहीं, इसने तो शॉन पर हमला कर दिया है। और अरे ये तो इसके साथ साथ यहां दो ज़ॉम्बीज़ और आ गए। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन यहां से बच के निकल पाएंगे, और क्या अब शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा क्योंकि ज़ॉम्बी ने तो उसको काट लिया है। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप नीचे पार्ट 2 कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए।